एसपी जी आते हैं, सरकारी नौकरी जो सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पे बसें बेच के भीड़ भेगी कर रहे हैं। आवाम नहीं है, प्रजा नहीं है, वो सरकारी नौकरों को डरा के बुलाया जाता है। तो बोलता है तो मैं तो कभी बाबा बन गया, मैं तो कभी जोगी बन गया। ये चाय नहीं बेची है, वो झूठ बोलने की पीएचडी की है। वो 100 रुपए का बाटला और गैस सिलेंडर दे के अभी 1000 रुपया लेता हर महीने। हमारी एक महिला है ईरानी, सुरती ईरानी जी, जब गैस सिलेंडर का भाव 576 रुपया हुआ था तो वो रोड पर आ गई थी। आप एक अनपढ़ गवार हो क्या? आपको नहीं पता चलता कि पप्पू कौन है इसमें से? सोसाइटी मोहल्ला कैसे दारू का ही सरों का तो अड्डा बन गया है, कैसे गड्ढा बना हुआ है। जाते इलेक्शन बीजेपी जीतती तो पीएम को 8 दिन में 4 दफे गुजरात आना नहीं पड़ता। ये बताइए, फिर 27 साल से एक ही सरकार बन रही है, आखिर कुछ तो काम किया है? ईवीएम मैजिक, ईवीएम मैजिक 136 बाई ठाकुर का आदेश है, वहाँ पर बिस्तर लगाकर वहाँ हम खुद चौकीदारी करने वाले और कांग्रेस के सारे सैनिक वहीं सोने वाले। मोदी जी ने जब कहा था देश नहीं बिकने दूंगा तो देश तो सारा बिक गया है। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बेटी के बलात्कार हो रहे हैं। जब बिल्किस बानू की जो बलात्कार हुए थे उनके जो चुनावी माहौल गर्म है माहौल और पूरे इस समय अब हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं और आम लोग भी इसमें हैं। दानी लिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर हैं, यहाँ से लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है? दानी लिमड़ा विस्तार के अंदर बरसों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत बताती है, 33,000 की लीड से हमेशा गई फेरी भी जो जीत कर आई थी। जो हमारे विधायक है यहाँ के शैलेश भाई परमार, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे विकास की हुई है, उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। जैसे कि आपके सामने है ये भगत सिंह हॉल है, यहाँ पर उनकी कुछ ग्रांड गई हुई है, जैसे कि रेफरल हॉस्पिटल है ये भी आपके सामने है। शैलेश भाई की ग्रांड से यहाँ पे गरीब प्रजा को जो सोनोग्राफी की व्यवस्था मिलती है, जो गायनिक महिला है उन लोगों के जो डिलीवरी है यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में डिलीवरी होती है, और सरकार की जो ग्रांड जो आती है विधायक को वापरने की, उस विधायक जी ने यहाँ के विस्तारों के अंदर सारी जगहों पर ग्रांड देकर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और हमेशा विधायक जी जीते, और इस बार तो विधायक जी ऐसा जीतने वाले हैं कि कम से कम 40 से 50 हज़ार की लीड से जीतने वाले हैं। यहाँ पर भाजपा का कोई काम नहीं है, और भाजपा की जो तानाशाही और जो महंगाई है, और यहाँ पर जनता बहुत परेशान है, और ये जनता की बहुत बहुत बोले तो बहुत सिर पे से पूरा पानी गुजर चुका है कि इस भाजपा का इस बार कोई मेल बनने वाला नहीं है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन एक तीसरी पार्टी आ रही है आम आदमी पार्टी, उसका क्या कुछ है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी जैसे ये फ्री की रेवड़ी लेकर आई है, जो दिल्ली के लोगों को पूरा नहीं कर पाती है वो गुजरात वासियों को क्या फ्री की रेवड़ी देगी? जैसे कि राहुल जी ने 8 वचन दिए हैं और 70 सालों से कांग्रेस पार्टी उसके वचन, और देश आज़ाद हुआ है जब से कांग्रेस पार्टी ने देश को डेवलप किया है और देश के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। हमारे देश में 70 साल पहले कोई सुई भी नहीं थी, वो राहुल गांधी के परिवार के राजीव गांधी जी थे जो उन्होंने यहाँ पर भारत को भी डेवलप किया है। और ये जो आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, इनकी जो स्कूल की जो बात कर रहे हैं, इनके जो हॉस्पिटल की बात, तो 2017 के बाद उनकी कोई नई स्कूल ही नहीं बनी है। तो यहाँ पर दिल्ली के लोग यहाँ पर आके ठगाई करने वाला काम कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर झूठ बोलकर वोट मांगने वाला काम करते हैं कि राष्ट्रपति घोषित हो जाएंगे। ये इलेक्शन बी टीम की तरह लड़ने आए हुए हैं यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान देने के लिए यहाँ है, पर कांग्रेस पार्टी धरती ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। 115 से 120 कांग्रेस पार्टी सीट ला रही है यहाँ पर। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कह करके मोदी जी आए, और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गुजरात विरोधी है, मेधा पाटकर के साथ चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी ने जब कहा था देश नहीं बिकने दूंगा तो देश तो सारा बिक गया है। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बेटी के बलात्कार हो रहे हैं। जब बिल्किस बानू की जो बलात्कार हुए थे उनके जो आरोपी थे उन लोगों को भी सजा नहीं दिया, आज उनको उनके भाजपा पार्टी में उनके परिवार लोगों को मैंडेट देकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। यह मोदी जी ने देश बेचने की बात की थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, वो उनके उनकी तो कोई दोष ही नहीं है, कांग्रेस ही जो है भारत तोड़ने निकली है जोड़ने के नाम पे। कांग्रेस का आप जानते हो और पूरा भारत देश जानता है 70 सालों में कांग्रेस ने क्या डेवलप किया है भारत के अंदर, जो कितनी सारी जो मिसाइलें हैं वो कांग्रेस की सरकार में आई है, जो रिवर फंड है गुजरात के अंदर वो कांग्रेस की सरकार में ठहरा हुआ था, ये तो एक तैयार माल पर बैठ गए हैं। और ये लोग एक झूठा लोगों को देश में जाके विदेश में जाके सबको गलत गलत बता रही है। मोदी जी ने यहाँ पर लोगों की हत्याएं कराई है, दंगे कराए है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, और यहाँ पर मुस्लिम और दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, ये मोदी जी का काम है यहाँ पर। 2002 के बाद दंगे नहीं हुए बता रहे हैं।
2002 के बाद दंगे नहीं हुए, बाकी मॉब लिंचिंग कितना हुआ 2002 के बाद, हर विस्तार के अंदर मॉब लिंचिंग, जो भाजपा के और आरएसएस के गुंडों ने कितनी जगह मॉब लिंचिंग किया है, आप वो जाके वो जानकारी भी कर सकते हो। तो फिर 27 साल से एक ही सरकार बन रही है, आखिर कुछ तो काम किया है उन्होंने। ईवीएम मैजिक, ईवीएम मैजिक, ईवीएम मैजिक, बैलेट पेपर ले आओ, ये गुजरात नहीं, ये पूरा भारत की सत्ता और पूरा भारत की जो मतदाता है वो ईवीएम को हटा दो और पूरा भारत बता देगा। और इस बार तो ईवीएम मैजिक भी नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदीश भाई ठाकुर का आदेश है, वहां पर बिस्तर लगाकर वहां हम खुद चौकीदारी करने वाले और कांग्रेस के सारे सैनिक वहीं सोने वाले। महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई की जो बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई से कह रहे हैं कि इनकम भी तो लोगों की बढ़ रही है तमाम तरीके की। महंगाई से इनकम बढ़ रही है, 500 रुपया पगार बढ़ रहा है, उसकी जगह तेल का डब्बा हम ले रहे थे 1,000 और 1,100 रुपए में, आज हमको 3,000 रुपए में तेल का डब्बा लेना पड़ता है, आज हमको गैस सिलेंडर लेना पड़ता है 1,100 रुपए का। कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए में था, देश चल रहा था ना, अच्छी तरह से चल रहा था। जब वो हमारी एक महिला है ईरानी, सुरति ईरानी जी, जब गैस सिलेंडर का भाव 576 रुपया हुआ था तो वो रोड पर आ गई थी। अभी इनकी सत्ता के अंदर बैठकर जब 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है तो वो सुरति ईरानी जी कहाँ है, कहाँ गए? तो ये भाजपा तानाशाही की सरकार है, ये भाजपा गरीबों को मारने की सरकार है, ये भाजपा विकास नहीं दे पाती, ये भाजपा सिर्फ और सिर्फ जो सेलिब्रिटी जो विदेश से प्रधान आते हैं उनके लिए गरीबी छुपाने के लिए एक एक ही रात में दीवारें खड़ी कर देती है, ये वो भाजपा है। वो कह रहे हैं मोदी जी यहाँ पर आते हैं और इस बार भी इतनी रैलियां कर रहे हैं कि जहाँ भी जाएंगे वहीं माहौल बदल देंगे। मोदी जी आते हैं सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पे बसें बेच के भीड़ भेगी कर रहे हैं, आवाम नहीं है, प्रजा नहीं है, वो सरकारी नौकरों को डरा के बुलाया जाता है, उनकी MTS बसों को इस्तेमाल किया जाता है। मोदी जी की भीड़ नहीं यही है, ये सरकारी कर्मचारियों को रजा रखा कर और प्रजा का काम सरकारी कर्मचारी रोक कर मोदी जी की सभाएं भरते, ये हमारा देश है, ये हमारा गुजरात है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं है यहाँ, मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाई है और महंगा सूट पहना है। कुछ तो अच्छाई होगी तभी आप जो है देश चला रहा है, दो आदमी चाय बेचने वाला, चाय बेचते कहाँ है वो सीन तो हमको बताओ, उन्होंने तो झूठ बोलने की PhD की है, चाय नहीं बेची है, वो झूठ बोलने की PhD की है। मोदी जी ने चाय बेची नहीं है, वो अपने आपको चाय वाला, कभी अपना आपको उसका बेटा बताते थे, कभी आप अपने आपको पठान का बेटा बताते, कभी दलित का बताते, ये सारे रंग मोदी जी बदलते हैं, पर इस बार ये रंग इनका नहीं चलने वाला है और जनता बहुत कंटाली हुई है और जनता जाग चुकी है। चाय नहीं बेची होगी या क्या है, चाय की कहानी बताते हैं, मगरमच्छ पकड़ने की कहानी बताते हैं, सारी चीजें तो जनता को लगता भी है कि गरीबी से निकले हुए मोदी जी हैं। मोदी जी जो है मगरमच्छ बता रहे हैं, सीता के पास जा रहे हैं, शेर के पास जा रहे हैं और डिस्कवरी शो कर रहे हैं, उनको प्यारिटी चाहिए, उनको प्यारिटी चाहिए, वो शो कर रहे सब। बाकी जो जनता है, आज जनता से सवाल करो, आज जनता से महंगाई की बात करो, आज पेट्रोल का दाम देखो, आप गैस का दाम देखो, आज शक्कर का दाम देखो, जो चीनी आती है उसका दाम देखो, आप चाय पत्ती का दाम देखो, कहाँ से लाएगा गरीब? आज मजूरी 300 से 400 रुपए इंसान कमाता है, रिक्शा चलाने वाला 500 रुपए कमाता है और तेल का डब्बा और चीनी और ये खरीदने में उसका रोज 500,000 तो उसमें चले जाता है, तो उसको कर्जा करना पड़ता है, कर्जा करने के बाद अगर वो कर्जा नहीं देता तो बेचारा गरीब सुसाइड करता है, ये मोदी जी का काम है। हिंदू राष्ट्र जो बनाने की संकल्पना लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के राज में तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हो आप, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो देश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, ये संविधान को नरेंद्र मोदी जी नहीं, ये भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं मिटा सकता। चलिए शुक्रिया, आपका नाम क्या? मेरा नाम आमिर पठान है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं? यस, समर्थन देने आए। आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा लगता है? हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या मुद्दे हैं, आप लोगों को क्या परेशानी है बीजेपी सरकार? गवारी, बेकारी, आप क्या कहेंगे? મોંઘવારી, બેકારી, પછી બહેનોના બળાત્કાર, 8-8 વર્ષની છોકરીઓ પર બળાત્કાર, તો મોદી એને નિર્દોષ છોડી દે તો આમાં મહિલાની સલામતી ક્યાંથી રહેવાની છે? એટલા માટે મોદી સરકાર ના જોઈએ, ના જોઈએ, ના જોઈએ। ક્યા કહેંગે આપ? क्या कहेंगे भाजपा के राज में, तो हम तो मुक्त भारत चाहते भाजपा के। भाजपा से कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। वो तो कह रहे हैं कि अगर भाजपा ना होती तो अब तक देश मिट गया होता। देश नहीं, नहीं, कांग्रेस है 70 साल से, ऐसे कैसे इंदिरा जी ने चलाया है राज, देखो ना 70 साल में तो डिगडगा हो गया है।
बराबर नफरत की राजनीति नहीं कर रही कांग्रेस, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नफरत की नहीं, भारत जोड़ो की राजनीति, प्रेम की, और वो क्या बोलते हो गले से गले मिलाओ, कैसे कैसे किया तो ये बताइए। 27 साल में आप लोगों को सिलेंडर भी दिया है, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। कैसे सुरक्षित दिया ना उसने, एक करके उसने मुफ्त में दिया ना सिलेंडर, तो सामने कितना दाम बढ़ाया उसने, मुफ्त में दिया उसका दाम बढ़ा दिया, 60 रुपए का दाम बढ़ा दिया, एक बोतल 1000 का, तो उसने एक सामने लाख रुपए ले लिया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आपके गुजरात में कह रहे हैं कि हमने शराब बंद कर दिया, तमाम चीजें कर दी, इससे फायदा हो रहा है देश, वो तो भाजपा के राज में तो बैठे दारू हो गया है, घर घर 40-40 सोसाइटी मोहल्ला, कैसे दारू का ही सरों का तो अड्डा बन गया है, कैसे गुजरात अड्डा बना हुआ है, गुजरात अड्डा बन गया है, वो चाय देता है कुछ चाय बात बेची नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली नाटक करता है, आगे बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं उनके परिवार वाले खुद कहते हैं कि हाँ वो मोदी जी पकौड़े भी बेचते थे, चाय भी बेचते, वो तो बोलता है तो मैं तो कभी बाबा बन गया, मैं तो कभी जोगी बन गया, कभी मैं तो, ये सब नहीं होता, नहीं, ये सब नहीं होता। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अशोभनीय शब्द कहना नहीं चाहिए ना, प्रधानमंत्री हैं आप, हमारी आवाज है, हमारा देश है ना, देखो बिक रहा है, हम लोग त्रस्त हो गए भारत भाजपा से, बोलो क्या करने का, भाजपा से त्रस्त होंगे लेकिन मोदी जी में क्या गलती है, मोदी जी तो आखिर इंसान ही है। आज जो जा रहा है कि दलित मुस्लिम का जो संविधान बना हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, उसको तोड़ देने के लिए जो सब सत्ता पे आके तोड़ देने चाहिए, तो बहुत सारे कोई हमारी महिलाओं की तो कोई सलामती, बेटी बच्चों की कोई सलामती नहीं, कुछ सलामती नहीं उससे, कुछ देश के लिए कुछ उसका। अमित शाह जी को आप सुनते होंगे कहते हैं महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हर जगह, कोई सुरक्षित नहीं है, 100 के बोलते 100 रुपये में बाटला और गैस सिलेंडर मिलेगा, और 100 रुपये का बाटला और गैस सिलेंडर दे के अभी 1000 रुपया लेते हर महीने, तो कहाँ से 1060 रुपया 100 का दे के 1000 का आप लोग सही में प्रॉब्लम है, सब्सिडी बंद कर दी थी और सब्सिडी बंद कर दी थी हमारे गैस ना बटन भाव दी गया, यही अभी जो है ना, अगर कहा जाए कि केजरीवाल केजरीवाल और राहुल गांधी और मोदी में, तो तीनों में कौन अच्छा लगता है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं ना, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं, राहुल जी भगवान है, हमारा मालिक बोले तो भी मालिक पे है, नहीं ऐसा थोड़ा, आज पप्पू होता तो भारत जोड़ो यात्रा लेके घूमता होता, पप्पू तो मोदी जी है, ये तो पप्पू नहीं, तो इंसान है, भारत का इंसान है, ये लोग एक पढ़े लिखे इंसान को पप्पू बोलना और एक अनपढ़ गवार को आप देश का प्रधानमंत्री बना के रखा हुआ है, आप खुद एजुकेटेड हो, अगर आपको कोई एक अनपढ़ गवार आदमी के अगेंस्ट में पप्पू बोला जाए तो आपको क्या लगेगा? एक ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, लोगों को गुमराह करने का प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। आप अभी कुछ भी मीडिया के लिए आपने पढ़ाई की होगी, कैमरामैन ने की होगी, आप एक अनपढ़ गवार हो क्या? आपको नहीं पता चलता कि पप्पू कौन है इसमें से? लेकिन जिस तरीके की छवि बनाई गई है, दिन भर डिबेट चलता है उसमें दिखाते हैं, डिबेट आज जी टीवी किसका, जी मीडिया किसका, सुभाष चंद्रा, सुभाष चंद्रा कौन, एक्स एमपी, आज तक किसका, इंडिया टीवी किसकी, ये सब किसका, ये सब बीजेपी और उनके साथ के जो उनके फाइनेंसर है, उनके जो प्रमोटर है, उनके जो होद्देदार जो बोलते हैं उनके है, किसी का न्यूट्रल नहीं है, तो आप लोग और न्यूट्रल नहीं बड़ी गएंगे से, हम हमारे पास प्रजा का साथ रहेगा तो लड़ पाएंगे, एजुकेटेड प्रभा का प्रजा का साथ मिलेगा तो लड़ पाएंगे, वरना फिर वही पप्पू वाली बातें करोगे आप। क्या लगता है वैसे कि जैसे राहुल गांधी इतना दिन से भारत जोड़ने निकले हुए हैं, लेकिन वो जो मिलना चाहिए जो उनको जो रेस्पेक्ट और जो सारी चीज़ें, वो उसमें बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भारत तोड़ने निकली है, उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है? आज से पहले इतने देश में प्रधानमंत्री हुए, कभी आपने प्रधानमंत्री को देखा है किसी को और होम मिनिस्टर को देखा है जो इकाइयों के इलेक्शन के अंदर, असेंबली इलेक्शन के अंदर बार बार किसी स्टेट के अंदर आते हैं? इससे आपको पता चल जाता है कि बौखलावट कितनी है। तो वो तो कहते हैं इससे मैनेज हो रहा है उनका वोट, इसी वजह से बीजेपी मजबूत है। हाँ तो बताओ मीडिया पे क्यों नहीं, मीडिया पे बताओ
और इतने साल अगर काम किया होता तो इनको इतनी रैली इतनी सभाओं की जरूरत नहीं होती, सोशल मीडिया से बैठे बैठे ही काम मैनेज हो जाता इनका। तो आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है और गुजरात में सीटें निकालेगी? जनता बोलेगी, हम नहीं कहेंगे। हम तो कांग्रेस के लिए जी जान से तन तोड़ से मेहनत करेंगे, जनता ही फैसला करेगी उसका। 182 सीट में से आप लोगों का क्या आकलन है वैसे, कितना आप लोग? जनता जितनी देगी वो सब हमारा आकलन है। केजरीवाल जी लेकिन लिख करके दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो अब वो देखो, केजरीवाल जी एक स्क्रिप्टेड है, वो जहाँ से उनको उनका आला कमान है जो होम मिनिस्टर है वो जो लिख कर देंगे वो वैसा बोल देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो 125 से भी ज्यादा सीटें आएगी कांग्रेस की। अच्छा, और यहाँ गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। एक बात सुनो, जो पीएम इकाई के चुनाव के अंदर आता है, कभी भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर गुजरात इलेक्शन बीजेपी जीतती तो पीएम को 8 दिन में 4 दफे गुजरात आना नहीं पड़ता। 27 साल में कोई काम ही नहीं किया, सिवाय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा कुछ काम किया ही नहीं है उसने। अगर उसने काम किया होता तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर उनको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत थी नहीं। आम आदमी को पूछो कि गुजरात का आरोग्य मंत्री कौन है, शिक्षण मंत्री कौन है, 6,000 स्कूलें बंद कर दिया। तो कोरोना बात करो, है क्या? कुछ है ही नहीं। कोरोना में दवाई नहीं दी, सिविल हॉस्पिटल में लोगों की ऑक्सीजन नहीं दी, दवाइयां नहीं दी। चलिए ठीक है, बताओ उद्योगपति को गायों के चारे के लिए जो जमीनें दे वो उद्योगपतियों को अंबानी को दे दिया। ये क्या? अगर गुजरात का वो होता ना तो गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मनमोहन सिंह एक राज्य के स्टेट के चुनाव में है ना, एक या दो जाहिर सभा करते थे पूरे राज्य में, और ये आते 8 दिन के अंदर 4 दिन आते हैं यहाँ, 10-10 जाहिर सभा करके जाते। अगर गुजरात में उसने काम किया होता तो 27 साल के बाद उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग थे इसमें से ज़्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, तभी यहाँ पर कांग्रेस पिछली बार बीजेपी से लड़ाई में आगे थी, फिर भी हालांकि सरकार नहीं बना पाई। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, खासकर अहमदाबाद में ये आप जो देख रहे हैं चुनावी माहौल, इस पर आप लोगों की भी नज़र रहेगी लगातार। 8 तारीख को ये पता लगेगा क्या कुछ होने वाला है, उस समय कांग्रेस पार्टी क्या इसी तरह से जश्न मना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।